डॉक्टर विनोद कुमार गुप्त, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में उपनिदेशक कम एसोसिएट प्रोफेसर मानविकी विद्या शाखा के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय सुधी श्रोताओं एवं शिक्षार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में आपने लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण पर चर्चा सुनी थी, आज संधि प्रकरण के अंतर्गत हम अच संधि की चर्चा करेंगे। अच संधि में सबसे पहली संधि है यण संधि, जिसका सूत्र है इको यणची। इकह स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषये, इक के स्थान पर यण आदेश होगा अच परे रहते संहिता के विषय में, यह वृत्तिकार कहते हैं। किसी भी सूत्र में तीन पारिभाषिक शब्द होते हैं, स्थानी, आदेश और निमित्त। स्थानी, जिसके स्थान पर कार्य का विधान हुआ करता है वह स्थानी कहा जाता है, जो सूत्र में षष्ठी विभक्ति में हुआ करता है। आदेश, जो स्थानी के स्थान पर हुआ करता है उसे हम आदेश कहते हैं, यह सूत्र में प्रथमा विभक्ति में होता है। निमित्त, जिसको निमित्त मानकर स्थानी के स्थान पर आदेश होता है वह निमित्त कहा जाता है, जो सूत्र में सप्तमी विभक्ति में होता है। जिन सूत्र में ये तीनों पाए जाते हैं वह सूत्र अपने आप में पूर्ण हुआ करता है। जिनमें इन तीनों में से कोई एक या दो नहीं हुआ करता उनको पूर्व सूत्र से ले लेते हैं। आइए हम देखते हैं इन तीनों की स्थिति इस सूत्र में कहां पर है। इकह स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, अगर हम इसको अलग अलग करें, इकह यण अचि, इक षष्ठी विभक्ति में है, यण प्रथमा विभक्ति में है, अचि सप्तमी विभक्ति में है। इकह यह हुआ स्थानी, यण यह हुआ आदेश, और अचि यह हुआ निमित्त। इसका अर्थ ये हुआ, इक के स्थान पर यण होगा अच परे रहते। उदाहरणार्थ, शुद्ध्युपास्यः सुधीभिर उपास्यः इति शुद्ध्युपास्यः। संधि हमें कहाँ कहाँ करनी चाहिए, इसके लिए एक कारिका है, संहितैक पदे नित्या नित्याधातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पद में संहिता की जानी चाहिए, धातु और उपसर्ग में संहिता की जानी चाहिए, समास में संहिता की जानी चाहिए, और वाक्य में वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है। यहाँ पर वक्ता के साथ साथ हम लेखक भी अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। शुद्ध्युपास्य में समासत्वात् संहिता है, सुधी धन उपास्य सकार उत्तरवर्ती उकार, धकार उत्तरवर्ती इकार, पा का पूर्ववर्ती उकार, पकार उत्तरवर्ती आकार,
और यकार उत्तरवर्ती अकार। सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण हो जाएगा अच परे रहते। तो इस प्रयोग में हम देखें सकार उत्तरवर्ती उकार इक है, धकार उत्तरवर्ती ईकार अच है, धकार उत्तरवर्ती ईकार इक है, पा का पूर्ववर्ती उकार अच है, पा का पूर्ववर्ती उकार इक है, और पकार उत्तरवर्ती आकार अच है। यहाँ पर तीन इक और तीन अच हैं। यह समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस इक के स्थान पर यणादेश करें। इसका समाधान प्रस्तुत करता है तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये सूत्र कहता है कि तस्मिन् इति सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी विभक्ति के निर्देश से जो कार्य हुआ करता है वह अव्यवहित पूर्व को हुआ करता है। तो यहाँ इको यणचि में अचि सप्तमी विभक्ति में है, तो इसका मतलब है कि जो भी कार्य होगा वह अच के अव्यवहित पूर्व को होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि केवल अव्यवहित ही शर्त नहीं होनी चाहिए, अपितु अव्यवहित पूर्व होना चाहिए। जो भी कार्य होगा अव्यवहित पूर्व को ही होगा। अगर हम पूर्व को नहीं लेंगे तो यहाँ पर धकार उत्तरवर्ती ईकार अच है और पा का पूर्ववर्ती उकार इक है, ऐसा मान लेने पर फिर अच का उत्तरवर्ती जो उकार है वहाँ भी यणादेश होने लगेगा जो इष्ट नहीं है। इसलिए अव्यवहित पूर्व को ही आदेश होगा। तीन इक और तीन अच, इनमें यह निर्णय किया तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने कि जिस अच के अव्यवहित पूर्व इक होगा उसी इक के स्थान पर यणादेश होगा। यहाँ हम देखते हैं सकार उत्तरवर्ती उकार इक है और धकार उत्तरवर्ती ईकार अच है, इन दोनों के बीच में धकार का व्यवधान है, अव्यवहित नहीं है। इसी तरह से यह जो धकार उत्तरवर्ती ईकार इक है और पा का पूर्ववर्ती उकार अच है, इनके ठीक पहले अव्यवहित पूर्व यह इक विद्यमान है, तो इसी इक के स्थान में यणादेश होगा। यहाँ पर भी जो पकार उत्तरवर्ती अकार और पा का पूर्ववर्ती उकार, इनके बीच में पकार का व्यवधान है, इसलिए यहाँ पर भी यणादेश नहीं होगा। तो यणादेश होगा कहाँ पर? जो धकार उत्तरवर्ती ईकार इक के स्थान पर। यण एक प्रत्याहार है, यण एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत यकार वकार रकार और लकार ये चार वर्ण आते हैं। यहाँ पर फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि कौन सा आदेश होगा, यकार आदेश होगा, वकार होगा, रकार होगा या लकार होगा। इसके लिए सूत्र देते हैं
स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः यह सूत्र कहता है कि जब एक साथ कई सदृश आदेश प्राप्त हों तो उसमें सदृशतम आदेश ही होता है। ये सदृशतम चार प्रकार के सदृश होते हैं, प्रमाणकृत सादृश्य, गुणकृत सादृश्य, अर्थकृत सादृश्य और स्थानकृत सादृश्य। स्थानकृत सादृश्य इन सभी सादृश्यों में बलवान हुआ करता है, इसलिए यत्रानेक विधमांतरयम् तत्र स्थानता आंतरयम् बलीयः। इस को ध्यान में रखते हुए स्थानकृत सदृशतम आदेश होगा यकार का उच्चारण स्थान, इचु यशानाम तालु, तालु है, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ऋटु रषाणाम मूर्धा, रकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है, लृतु लसानाम दंताः, लकार का उच्चारण स्थान दंत है। यहाँ पर जो इकार है इचु यशानाम तालु, इस इकार का उच्चारण स्थान तालु है। इन चतुर्विध यणादेश में यकार का उच्चारण स्थान सदृशतम है, इकार का उच्चारण स्थान तालु है और यकार का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इस इकार के स्थान पर यकार यणादेश हो गया। यकार यणादेश होकर यह स्थिति बनी धकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यकार यणादेश हो गया। अब इसके बाद सकार उत्तरवर्ती उकार अच है और उससे परे धकार विद्यमान है और धकार से परे यकार विद्यमान है। सूत्र आता है अनचिचा, अनचिचा सूत्र कहता है कि अच से परे यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व होता है, अगर यह अच परे हो तो नहीं। अच से परे यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व होता है, यदि अच परे हो तो नहीं होता। यहां पर धकार उत्तरवर्ती यकार अच नहीं है, इसलिए इस धकार के स्थान में द्वित्व हो जाएगा विकल्प से। तो विकल्प से द्वित्व हो करके यह स्थिति बनी। विकल्प का अर्थ है एक पक्ष में होगा और दूसरे पक्ष में नहीं होगा। तो
जब हम द्वित्व करेंगे तो सकार उत्तरवर्ती धकार, धकार उत्तरवर्ती धकार और धकार उत्तरवर्ती यकार, यह स्थिति बनती है। इसके बाद एक सूत्र आता है झलाम जश झसि। ये सूत्र कहता है कि झलों को जश आदेश होता है, झस परे रहते। झलों को जश आदेश होता है, झस परे रहते। यहाँ पर धकार, यह झल प्रत्याहार का वर्ण है और उससे परे धकार झस प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है, इसलिए इस झल धकार के स्थान पर जश दकार हो करके स्थिति बनी। इसके पश्चात दकार धकार और यकार, इनके बीच में अच नहीं है, इसलिए हलोनंतराह संयोगह से इसकी संयोग संज्ञा हो जाती है। और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इस परिभाषा सूत्र से इसमें पदत्व विद्यमान है, इसलिए यह कैसा पद हुआ? संयोगांत पद हुआ। और संयोगांत पद होने पर सूत्र आता है संयोगांतस्य लोपः। ये सूत्र कहता है संयोगांतम यत् पदम, जो संयोगांत पद हो उसका लोप हो जाए। संयोगांत पद हो उसका लोप हो जाए तो क्या इस पूरे का लोप होगा? संयोगांतस्य लोपः, यह सूत्र तो यही निकल तो यही अर्थ रहा है कि इस पूरे का लोप हो जाए। जब पूरे का हम लोप कर देंगे तो फिर यहाँ ये जो द्वित्व किया गया, यणादेश किया गया, इसका वैयर्थ्य प्रसक्त होगा। तब अगला सूत्र है अलोन्त्यस्य। कहते हैं नहीं, पूरे संयोगांत पद का लोप नहीं होगा, अपितु अंतिम वर्ण को होगा। अंतिम वर्ण कौन सा है? धकार उत्तरवर्ती यकार। अलोन्त्यस्य यह सूत्र कहता है कि अंतिम वर्ण का लोप प्राप्त होता है, तभी वार्तिकाचार्य कात्यायन कहते हैं कि यणः प्रतिषेधो वाच्य। यण का प्रतिषेध कहा जाना चाहिए। आशय यह है कि यण प्रत्याहार के वर्ण का लोप जहां पर प्राप्त होता है उसका प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात उसका लोप नहीं होता। जब लोप नहीं होगा तो फिर यही स्थिति बनी। और अंत में अज्झीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, इस मान्यता के अनुसार हम मिला देंगे, शुद्ध्युपास्य यह प्रयोग बना। अगर हम विकल्प में द्वित्व न करें तो फिर
यह प्रयोग बनेगा शुद्ध्युपास्य। और अंत में समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग सिद्ध होगा शुद्ध्युपास्य। इस पूरी सिद्ध प्रक्रिया के दौरान आपने देखा सुधी भी उपास्य, यह तत्पुरुष समास। संधि के दौरान इसमें कुछ संक्षेप हुआ। वर्णों के जोड़ के कारण संक्षेप होता है और संक्षेप समास में भी होता है। तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि वर्णाश्रित विधि है और समास पदाश्रित विधि है। संधि में वर्णों के कारण संक्षेप होता है और समास में पदों का संक्षेप होता है। इसलिए संधि वर्ण विधि है और समास पद विधि है। तो शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध हुआ। इसी तरह से धात्रंशः मध्वरिः, यह भी रूप सिद्ध होंगे। इसके पश्चात एक दूसरी संधि आती है, अयादि संधि। अयादि संधि जिसका सूत्र है एचो अयवायावः, एचः अय औ आय आव। सूत्र का अर्थ है एच के स्थान पर अय आदेश होते हैं, अव आदेश होते हैं, आय आदेश होते हैं, आव आदेश होते हैं। एच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत एकार, ओकार, ऐकार, औकार, ये चार वर्ण आते हैं। एकार, ओकार, ऐकार, औकार के स्थान पर अय आदेश होते हैं, अव आदेश होते हैं, आय आदेश होते हैं, आव आदेश होते हैं। यहाँ भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि किसके स्थान पर कौन सा आदेश होगा। एकार के स्थान पर अय आदेश होगा, अव आदेश होगा, अथवा आय आदेश होगा, अथवा आव आदेश होगा। इसके लिए सूत्र देते हैं यथा संख्यम अनुदेशः समानाम्, यथा संख्य मनुदेशः समानाम्। यह यथा संख्य विधि है, सम संबंधी विधि है। अर्थात ऐसी स्थिति होने पर जब जितने स्थानी हो उतने ही आदेश हो, तब पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, इस रूप में आदेश होते हैं। यहाँ पर पहला वर्ण है एकार, एच एकार, और आदेश में पहला है आय। तो इसका मतलब है एकार के स्थान पर आय आदेश होंगे, ओकार के स्थान पर
अव आदेश होंगे, ऐकार के स्थान पर आय आदेश होंगे, औकार के स्थान पर आव आदेश होंगे। यथा संख्यम अनुदेशः समाराम, इस सूत्र की सहायता से यह निश्चित हुआ कि एकार के स्थान पर अय आदेश होंगे, ओकार के स्थान पर अव आदेश होंगे, ऐकार के स्थान पर आय आदेश होंगे, औकार के स्थान पर आव आदेश होंगे। तो सूत्र का अर्थ हुआ कि एच के स्थान पर अय, औ, आय, आव आदेश होते हैं। कब? ये तो सूत्र में दिया ही नहीं। ये स्थानी है और ये आदेश है, निमित्त तो दिया ही नहीं। तब हम निमित्त इको यणच से अनुवर्तन करते हैं अचिका, तब अर्थ होगा कि एचों को अय आदि आदेश होते हैं, अच परे रहते। कब? जब एच प्रत्याहार के वर्ण से परे अच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान होगा तो एच के स्थान पर अयादि आदेश होते हैं। उदाहरण के लिए हरे धन ई, रकार उत्तरवर्ती एकार, एच प्रत्याहार का वर्ण है और एकार उत्तरवर्ती एकार अच है। एचो एवायावः की पूरी शर्त यहाँ पर प्राप्त होती है। एचो एवायावः इस सूत्र की सहायता से इस एकार के स्थान में अयादि आदेश प्राप्त होते हैं और इनमें अय होगा, औ होगा, आय होगा, आव होगा। इसके लिए यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र की सहायता से इस एकार के स्थान में अय आदेश हुआ। रकार उत्तरवर्ती एकार एच के स्थान में यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र की सहायता से अय आदेश होकर अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम की मान्यता से मिलाने पर हरए यह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी तरह से पावकः, नायकः, नयनम यह भी प्रयोग सिद्ध होते हैं। अभी तक आपने देखा अच संधि के अंतर्गत यण संधि, अयादि संधि, इसके पश्चात अगली संधियों के बारे में अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।